मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज आपको उर्स हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर के मेले की अपडेट के मुतालिक आगाह करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, लाल शहबाज़ कलंदर अल मारूफ उस्मान मरवंदी का उर्स पिछले साल भी बेज़ाबतगी का शिकार हो गया था और काफ़ी धक्कम धक्का हुई और दरबार शरीफ को बंद कर दिया गया था। दूर दराज से ख़ास तौर पर पंजाब से आने वाले काफ़िले मुतासर हुए थे। इंतज़ामिया और ज़ायरीन में काफ़ी बदनज़मी देखी गई थी। हज़ारों ज़ायरीन बग़ैर ज़ियारत के हाज़िरी दिए वापस अपने घर को लौट गए थे। लेकिन मेरे मौजूद दोस्तों, अब कुछ हालात मुख्तलिफ हैं। अब दरबार लाल शहबाज कलंदर का उर्स इंशाअल्लाह अज़ीज़ 21 रजब से वैसे जारी और सारी लोग आ रहे हैं, लेकिन उर्स की डेट अब जारी होने जा रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि दरबार हज़रत लाल शहबाज कलंदर का उर्स 18 शाबान को शुरू होगा, क्योंकि लाल शहबाज कलंदर सेवन शरीफ का ये उर्स उसके हालात और तकाजे यही बता रहे हैं कि उर्स को और मेले को इस दफ़ा बहाल रखा जाएगा और लोगों को कोई रोकथाम नहीं होगी, वो आ सकेंगे और दरबार पर हाज़िरी दे सकेंगे। अब भी देखने में यही आया है कि 21 रजब से लोग काफ़ी आ रहे हैं, बसें वैगने आ रही हैं और लोग ज़ियारत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर डेट 18 शाबान को ही रखे जाने का इम्कान है। महकमा की तरफ से भी मीटिंग जारी है। अब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना का या कोई ऐसा मसला बनाकर दरबार सेवन शरीफ को बंद नहीं किया जाएगा और ज़ायरीन अपनी हाज़िरी दे सकेंगे। दोस्तों, दरबार हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर के मुतालिक जो भी अपडेट होगी हम आप तक बहम पहुँचाएँगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।